हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये एमसीक्यू लेकर आ गई हूँ। जो ये एमसीक्यू है, ये पार्ट फिफ्थ है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर हर CBSE से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपके हर कॉम्पिटिशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो देखिए, ये है CBSE साइंस चैलेंज MCQ क्लास 8th to 10th। जो थीम है वो है साइंस, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। तो गनी बैग्स बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो मिक्स्ड फाइबर का यूज़ किया जाता है, जूट का यूज़ किया जाता है, वूल का यूज़ किया जाता है, पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जूट। तो गनी बैग्स बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है जूट, और जूट का यूज़ ही हम गनी बैग्स बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेट अर्थ डे। तो हम पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाते हैं? तो हम हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वहाँ पर 22 मार्च भी लिखा आ सकता है, 22 मई भी और 22 जून भी, लेकिन आपको क्या लगाना है? 22 अप्रैल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका साइंस चैलेंज कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है। तो जो अर्थ डे है वो कब होगा? 22 अप्रैल में होगा। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भी आपकी CBSE एक्सप्रेशन सीरीज होती है, ऐसे होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपका जो भी कॉम्पिटिशन होता है उससे रिलेटेड कंटेंट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए आगे भी यह चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द बेस्ट सीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट के कल्टीवेशन के लिए, मतलब कटाई के लिए, कौन सा सीजन बेस्ट रहता है? गर्मियों में हम काट सकते हैं या विंटर में, स्प्रिंग में? तो इसका सही आंसर है रेनी सीजन में हम जूट का जो है कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग। वीविंग मतलब होता है बच्चों बुनाई। ठीक है, तो कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है बुनाई में, बुनने में? तो हैंडलूम। हैंडलूम का यूज़ हम क्या करते हैं? बुनने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। पता होगा हम सबको कि जो कॉटन होता है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन बॉल्स से। लेकिन वो जो कॉटन बॉल्स हैं वो क्या हैं? प्लांट की सीड्स है, फ्रूट्स है, स्टेम है या लीव्स है? मतलब जो कॉटन बॉल्स है वो प्लांट के किस पार्ट में होती हैं, वो क्या पार्ट कहलाता है? तो जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो प्लांट के लिए फ्रूट होती हैं, फ्रूट की तरह होती है, और हम उन्हें तोड़कर कॉटन का जो कपड़ा है उसको बुनते हैं, कॉटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच कंट्री फर्स्ट इन्वेंटेड सिल्क। सिल्क का सबसे पहले यूज़ या इन्वेंट, खोज किस कंट्री में कही गई थी, किस कंट्री में की गई थी? तो चाइना, इंडिया, रशिया और अमेरिका। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों चाइना। चाइना में ही सबसे पहले सिल्क की जो खोज है वो की गई थी। सबसे पहले हर चीज़ चाइना में ही होती है, कोविड वो भी चाइना में ही। ठीक है, तो चाइना में ही सिल्क का यूज़ किया गया था। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोविड जो फैला था उसका जो शुरुआत हुई थी वो भी चीन से हुई थी, और जो सिल्क उत्पन्न हुआ है या आया है वो भी कहाँ से आया है? चाइना से आया है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है, और आगे भी ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिल्क वॉर्म कल्टीवेटिंग इज कॉल्ड। तो जो सिल्क वॉर्म कल्टीवेटिंग है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मोरीकल्चर या एपीकल्चर? तो इसका सही आंसर है सेरीकल्चर। तो वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर हम उसको कहते हैं जब हम सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यार्न इज वोवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग। तो यार्न है वो किस फैब्रिक को यूज़ करने के लिए बुना जाता है? तो इसका सही आंसर है लूम्स।
ठीक है, लूम्स का यूज़ इसमें किया जाता है। गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर CBSE साइंस चैलेंज। इफ़ यू लाइक माई ऑल वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल टू योर लवली फ्रेंड्स। सो आपका जो साइंस चैलेंज है वो बहुत अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, आप उसमें विजयी हों। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।